और चलिए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में पहुंचे हैं। शनिवार को हुई बैठक करीब 4 घंटे तक चली थी और बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के विकास और योजनाओं का फीडबैक दिया। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने 2 प्रेजेंटेशन दिए हैं। पहला प्रेजेंटेशन ग्राम सचिवालय के डिजिटलाइजेशन और दूसरा प्रेजेंटेशन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं दिल्ली से। विनीत, कब तक बैठक शुरू होगी? कल 4 घंटे तक बैठक चली, कल की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला और आज की बैठक कितने बजे शुरू होगी और क्या सारा जानकारी है आज की बैठक को लेकर? जी अमनदीप, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बैठक में शामिल हुए थे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में की बात करें या फिर दोनों डिप्टी सीएम या फिर अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर धामी, वो भी इस बैठक में आ गए हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें तो इस बैठक का कॉन्सेप्ट यह है कि केंद्र की जो बेहतर योजनाएं हैं उसको बारे में राज्य जो है वो बेहतर तरीके से समझ सके या फिर अगर किसी राज्य की कोई अगर बेहतर योजना है तो उसके बारे में इस बैठक में चर्चा होगी जिससे जो है वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो उसे बेहतर तरीके से सीख सके। जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो है कल एक प्रेजेंटेशन दिया था और साफ तौर पर जिस तरह से वे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को करते रहते हैं और इसी तरह वो इसी को लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जो है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो आने वाले दिनों में बन जाएगी जिससे जो है वो दूसरे राज्य भी ये सीख सके। जिस तरह से अगर हमने देखा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात जो है वो योगी आदित्यनाथ ने की थी और इसे बढ़ावा दिया था, इसकी जो चर्चा है वो यहां पर की गई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र की कई विभिन्न योजनाओं को लेकर के भी यहां पर जो मंत्री उपस्थित रहेंगे वो जो है वो उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे ताकि राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो बेहतर तरीके से सीख सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दिया है जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आखिरकार किस तरह से खनन माफिया पर जो है वो लगाम लगाई गई। बिहार सरकार ने खनन माफिया पर लगाम लगाई है जिसको लेकर के अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो भी सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि असम के मुख्यमंत्री ने भी प्रेजेंटेशन दिया है। अगर हम बात करें आज की अगर हम बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री का प्रेजेंटेशन जो है वो हो सकता है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं उनका भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो बिल्कुल आज भी कई घंटे तक ये बैठक चलेगी जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो तो शामिल हुए हैं, साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद है। जानकारी देने के लिए विनीत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और विधानसभा सत्र को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे, सभी दलों के प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 29 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र, तो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक यूपी विधानसभा का सत्र चलेगा। सत्र में कई अध्यादेश और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30, 31 जुलाई और 1-2 अगस्त को साथ ही विधायी कार्य होंगे और यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024 सदन में पेश किया जाएगा और यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024 सदन में पेश किया जाएगा। यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 सदन में पेश होगा। इसके अलावा यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश सदन में पेश किया जाएगा और 30 जुलाई को यूपी सरकार 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करने जा रही है। समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक आज करेगी और सुबह 10 बजे अखिलेश यादव बैठक लेंगे।
तो नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान आज हो जाएगा। विधायकों संघ बैठक के बाद में फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद आज माना जा रहा है कि आज अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। फाइनल फैसला अखिलेश यादव को लेना है और दो नाम है जिसको लेकर मंथन जारी है, जिसमें से एक नाम शिवपाल यादव का है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाम का आज ऐलान हो जाएगा। आज सुबह 10 बजे विधायकों के साथ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक करेंगे और बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है, नेता विपक्ष के नाम में इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। राम अचल राजभर का भी नाम इस रेस में आगे है, ओम प्रकाश सिंह का नाम भी है, नवाब इकबाल महमूद भी हो सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कमाल अख्तर को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये जो चार नाम है ये निकलकर सामने आ रहे हैं। जो रेस में सबसे ज्यादा आगे नाम चल रहा है वो इंद्रजीत सरोज का है। अब ऐसे में आज तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि किसके नाम पर अखिलेश यादव मोहर लगाते हैं। बरेली के पूर्व सांसद संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रभारी ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। पूर्व एमएलसी लक्ष्मण आचार्य असम के राज्यपाल बनाए गए और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। यूपी बीजेपी के कई नेताओं को राज्यपाल बनाया गया है। तो बरेली से 9 बार सांसद भी रहे संतोष गंगवार और अब उन्हें राज्यपाल बनाया गया है और उनके राजनीतिक करियर की जानकारी भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यूपी बीजेपी में प्रभारी रहे हैं ओम माथुर, राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे ओम प्रकाश और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो 10 राज्यों में बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं ओम प्रकाश राजभर और सभी चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत भी दिलाते रहे। संगठन में काम करने का काफ़ी लंबा भी अनुभव है और ओम प्रकाश माथुर की जानकारी आपको दे रहे हैं। और मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहां पर पिकअप वैन और बस में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि सामान ढोने वाले पिकअप पर करीब 25 लोग सवार थे। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सभी लोग प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले हैं और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने जा रहे थे। कुशीनगर में पुलिस एनकाउंटर में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गोली लगी है और एनकाउंटर में 25 और 15,000 के 2 इनामी हिस्ट्री शीटर को गोली लगी, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से देसी कट्टा और 45,000 रुपए बरामद किए गए, साथ ही 42 फर्जी ATM कार्ड और बाइक भी मिली है। आरोप के मुताबिक ये अपराधी अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह चलाते हैं और इनमें से एक पर 33 और दूसरे पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों गोंडा के रहने वाले हैं। पडरोना कोतवाली इलाके के सुखपुरा के पास एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है और झांसी में पुलिस ने एनकाउंटर किया और पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाश मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने शिवपुरी में 21 जुलाई की रात को एक शख्स को गोली मार दी थी। पुलिस मामले में जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी के दौरान पुलिस एनकाउंटर हुआ। थाना अध्यक्ष सिपरी बाजार की टीम के द्वारा रक्षा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 अज्ञात बदमाश उधर से गुजर रहे थे। मोटरसाइकिल पर कोई नंबर नहीं था, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ भागे। इनको पुलिस टीम के द्वारा घेरा गया। अपने को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिसमें काउंटर अटैक किया गया तो इसमें एक बदमाश को गोली लगी। इसको कब्जे में लेकर के इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम बलदेव कुशवाहा बताया तथा इसका जो साथी है दूसरा सचिन रावत को भी पकड़ लिया गया। जो घायल बदमाश है बलदेव कुशवाहा उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है।